गांव का विकास हो, इस सोच के साथ राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी ने डुगडुगावा गांव को गोद लिया है। संगीता तिवारी का कहना था कि इस गांव के समग्र विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने गांव में एक विशेष चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना भी। राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी द्वारा गांव के समग्र विकास के लिए एक विशेष चौपाल लगाई गई। यह चौपाल आजमगढ़ जिले के डुगडुगावा गांव में लगी थी। इस दौरान संगीता तिवारी ने कहा कि वह आज से डुगडुगावा गांव गोद ले रही हैं और यहां की जो भी समस्याएं होंगी वह उनके निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि यहाँ की बच्चियाँ जो पढ़ना और अन्य क्षेत्रों में जाना चाहती हैं उनके भी विकास के लिए वह लगातार प्रयासरत रहेंगी। आज मैं इस डुगडुगा गांव को गोद ले रही हूँ और मैं अपनी माताओं बहनों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगी और जो इन लोगों की परेशानी है, जो भी इन लोगों की कमियाँ हैं, जो भी इन लोगों की मांगे हैं, मैं उसको पूरी कोशिश करूँगी कि पूरी हो। और जो बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ने वाली हैं, नहीं पढ़ पा रही हैं, मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। और विशेष जो बच्चे यहाँ के कुछ बच्चे बेरोजगार हैं, मैं उनके लिए भी कुछ करूँगी। और जो हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग हैं जिनको आज पेंशन नहीं मिल पा रहा है, जो तमाम तरीके से लोग परेशान हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है, वो मैं पूरी कोशिश करूँगी। और आज मैं यही उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे और मैं सभी की जो इच्छाएं हैं उसको पूरी तरह से मैं कोशिश करूंगी कि वो मैं कर पाऊं। आज मैं इसको गोद ले रही हूं। आगे ये गांव भी हमारा बहुत आगे जाएगा। अब ये मेरा गांव हो गया,